यह है मेरा समान अध्ययन का प्रोग्राम, ठीक है। समान अध्ययन के अंतर्गत मैं भारतीय राज्य व्यवस्था की पूरी क्लास कराऊंगा, अर्थव्यवस्था कराऊंगा, ठीक है। मैं ऐसे ही कराता हूं, यही मेरा तरीका है, कम समय में ज़्यादा चीज़ें देना, ठीक है, ऐसे ही कराता हूं। इसी के अंतर्गत मैं पर्यावरण कराऊंगा, ज्योग्राफी कराऊंगा, ठीक है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का एक अलग वीडियो आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग आएगा, हिस्ट्री में भी प्राचीन का आ चुका है, मध्यकाल का भी आएगा, आधुनिक का भी आएगा, इसके बाद आपका इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी आएगा, ठीक है। मेंस के भी जो टॉपिक हैं जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, आर्ट एंड कल्चर, इसके अलावा आईआर का टॉपिक हो गया, इसके अलावा इंडियन सोसाइटी का टॉपिक हो गया, जितने भी विषय वस्तु हैं समान अध्ययन के, वो मेरे द्वारा कराए जाएंगे, कुछ इसी तरीके से कराए जाएंगे जिसमें आपको कुछ दिखेगा नहीं, सस्पेंस मूवी है ये पूरी, ठीक है। इसमें मैंने पूरी किताब लिख दी है, ये पूरी किताब है और अथक परिश्रम की कहानी है, लगभग 8 से 9 घंटे जब मैंने इसमें खर्च किए हैं तब कहीं जाके कर पाया हूँ, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये आपको एग्ज़ाम से पहले, दरअसल मेरा लक्ष्य ये है कि एग्ज़ाम से पहले आपके अंदर इतनी ऊर्जा भर दूँ, इतना आत्मविश्वास भर दूँ कि वहाँ पे आप जा करके आराम से, अब क्या होगा, ये जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे हर चीज़ में, समान अध्ययन में, करंट अफेयर्स पे, आप परीक्षा से पहले बस अंतिम दिन में कितना होगा, लगभग 12 घंटे का पूरा प्रोग्राम होगा, 12 घंटे या 2 दिन से ही आप केवल मेरे वीडियोज़ देख के जाएंगे, तो आपको निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस आने ही आने, नो डाउट। इससे पहले जितने मैंने प्रोग्राम कराए उनमें से सारे में आए, ठीक है। तो एग्ज़ाम से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, बल्कि आप आत्मविश्वास से परिपक्व हो जाओगे। आप साल भर पढ़ते हो, ठीक है, साल भर पढ़ने के बाद भी क्या होता है, एग्ज़ाम से पहले ये लगता है कुछ मिल जाए, कुछ ऐसा हो कि तुरंत रिवीजन हो जाए, वो तुरंत रिवीजन मैं इस तरीके से दूंगा। इसको आपको अच्छे से करना है, जितना बेहतर तरीके से आप इसे कर पाएंगे, करने का मतलब है मुझे सुनिए अच्छे से मेरी बातों को, 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपको चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, A to Z हर एक चीज़ को मैं इतना आसान बना के आपको दूंगा कि आपको खुद लगेगा कि ये चीज़ इतनी मुझे अभी तक कठिन लग रही थी, ये इतनी आसान कैसे हो गई, ठीक है। तो समान अध्ययन का ये प्रोग्राम हमारा चालू होता है, इस प्रोग्राम पे इतना गहराई से एक एक चीज़ों को लेकर चलूंगा कि कम समय में आप वो चीज़ें पा जाएंगे जिसको पढ़ने में आपको महीनों भी लग जाते हैं, लोग साल भी खर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, एक ही वीडियो में प्रयास रहेगा, यदि मुझे लगेगा विषय वस्तु को मैं 2 वीडियो में करूं तो 2 क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है, एक क्लास और एक क्लास और। तो पहले हमारी क्लास है ये राज्य व्यवस्था की, राज्य व्यवस्था से हम शुरू करेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी वो प्राचीन भारत की हो चुकी है ना, उसके बाद मध्यकाल की होगी, फिर आधुनिक की भी करवाई जाएगी, मध्यकाल जैसे ही आपका समाप्त होगा वो हो जाएगी, आधुनिक भी समाप्त होगा वो भी हो जाएगी, इसके बाद डिटेल अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, डिटेल अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों को मैं अच्छे से एक एक चीज़ करवा रहा हूँ, इतनी डिटेल से करा रहा हूँ कि कोई डिटेल बच नहीं रही है, समय ज़रूर लग रहा है लेकिन वो अच्छे से हो रहा है। लेकिन ये क्विक रिवीजन, आपको जो ये डर है कि इतना ज़्यादा हम बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, उसका काम ये क्विक रिवीजन उसकी भरपाई कर देगा, कम समय में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब आप, मैं कह रहा हूँ पूरी तरीके से मैं आपको आत्मनिर्भर बना रहा हूँ, आप मेरे इस तरीके के माध्यम से आप आसानी से रिवीजन भी करेंगे हर चीज़ में, ठीक है। पहले बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स के बाद उसका जो एडवांस लेवल है जहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी चर्चा करेंगे। तो अब हम जो है पूरे संविधान का सार, पूरी राज्य व्यवस्था का सार इसके माध्यम से देखेंगे। यही काम हम करंट अफेयर्स में भी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य 2 टॉपिक मैंने कम्प्लीट किए हैं। इससे पहले एक वीडियो था मेरा जिसमें पूरे करंट अफेयर्स का एक ही वीडियो था जिसमें पूरी करंट अफेयर्स वो मैंने समीक्षा अधिकारी के समय पे दिया था, है ना। तो ये जो है आपका जितने भी एग्ज़ाम है, खासकर उनका लेबल UPSC, UBPCS और भी जितने भी आप एग्ज़ाम देते हैं, यहाँ तक कि जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं उनमें भी, क्योंकि समान अध्ययन बदलता नहीं कहीं पे, समान अध्ययन की प्रकृति वही रहती है। हाँ, जो मैं गहराई से पढ़ रहा हूँ आप लोगों को, वो आपको करना है, उसे अच्छे से करना है, वो आपको मेंस में काम आएगा, ठीक है। ये तो क्विक रिवीजन है हर चीज़ का, ऐसा ही सोशल वर्क में भी करूँगा, ऑप्शनल का भी क्विक रिवीजन दूंगा। एक ही वीडियो में पेपर 1 ख़त्म, एक ही पेपर 2 ख़त्म, और कैसे होता है ये देखना। देखो राज्य व्यवस्था ये पूरी लिखी हुई है, अभी राज्य व्यवस्था आपको समझ में नहीं आएगी, दिखेगी भी नहीं, दिखना भी नहीं चाहिए, तभी तो लगेगा कि क्या लिखा है, यदि दिखने लग गया तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं इसको ऐसा लिखता ही हूँ कि किसी को कुछ दिखे ना, समझ में ना आए, मुझे ही समझ में आए, ये पूरी कोडिंग है। तो अब जो है हम लोग पूरे राज्य व्यवस्था का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बहुत ही गति से, बहुत इत्मीनान से, बस मुझे सुनना है धैर्य के साथ। जितना अच्छे से मुझे सुनेंगे उतना बढ़िया आपका राज्य व्यवस्था हो जाएगा। जितने भी
समय तक ये पूरी क्लास में लूँ, उतने समय तक आपके अंदर थोड़ा शांति होनी चाहिए, ठीक है। आप तैयार होने चाहिए इस क्लास के लिए, ठीक है, क्योंकि जो मैं एक घंटे डेढ़ घंटे में चीज़ें बताता हूँ, इसमें आपके अंदर स्थिरता नहीं होगी तो मन भटक जाएगा, तो जुड़ाव टूट जाएगा, ठीक है। एक क्रमबद्धता होती है और मैं एक ही बार में पूरा कंप्लीट करके देता हूँ, बीच में मैं किसी तरीके से रुकता नहीं, ठीक है। तो आप लोगों की तरफ से ये चाहिए कि आप इसके लिए डेडिकेटेड हों और काम को करें, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपनी क्लास को।